लोगों के परिश्रम से आज काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। आज भी यहां 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पहले स्टैंड बाय सर चिल्लाएंगे तो पूर्वांचल के पक्का ना पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। इसमें रेल रोड एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें पशुपालन उद्योग स्पोर्ट्स कौशल विकास इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें स्वास्थ्य स्वच्छता आध्यात्म पर्यटन एलपीजी गैस अनेक क्षेत्रों से जुड़े अनेक विध काम है। इससे बनारस समेत पूरे पूर्वांचल के लिए नौकरी के बहुत सारे नए अवसर बनेंगे। आज संत रविदास जी की जन्मस्थली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी यहां से लोकार्पण हुआ है। मैं इन सारी परियोजनाओं के लिए मैं डर गई आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कब दिखेगा तो नहीं वैसे साथियों, काशी और पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। आज बड़ी संख्या में मेरे नौजवान साथी भी आए हैं। कल रात को मैं सड़क के रास्ते बाबतपुर से बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस आया हूं। कुछ महीने पहले जब मैं बनारस आया था तो फुलवरिया फ्लाईओवर का लोकार्पण करके गया था। बनारस में ये फ्लाईओवर कितना बड़ा वरदान बना है ये साफ दिखाई देता है। पहले अगर किसी को बीएलडब्ल्यू से बाबतपुर जाना होता था तो लगभग 2-3 घंटा पहले घर से निकल जाते थे। पहले मंडुवाड़ी पर जाम, फिर महमूरगंज पर जाम, कैंट पर जाम, चौका घाट पर जाम, नदेसर पर जाम, यानी जितना समय फ्लाइट से दिल्ली जाने में नहीं लगता था उससे ज्यादा फ्लाइट पकड़ने में लग जाता था। लेकिन एक फ्लाईओवर ने ये समय आधा कर दिया है। और कल रात को मैं खास वहां जाकर के हर चीज को देख के आया हूं, उसकी व्यवस्था को समझ करके आया हूं। पैदल चल करके जाकर के रात देर गया था। ऐसे ही बीते 10 साल में बनारस के विकास की स्पीड भी कई गुना बढ़ी है। अभी थोड़ी देर पहले यहां सीगरा स्टेडियम के पहले चरण के काम का लोकार्पण भी किया गया है। बनारस के युवा खिलाड़ियों के लिए आधुनिक शूटिंग रेंज का भी लोकार्पण किया गया है। इनसे बनारस और इस क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, यहां आने से पहले मैं बनास डेयरी के प्लांट में गया था। वहां मेरी अनेक पशुपालक बहनों से बातचीत करने का मुझे मौका मिला। किसान परिवारों की इन बहनों को 2-3 साल पहले हमने स्वदेशी नस्ल की गीर गाय दी थी। मकसद यह था
कि पूर्वांचल में बेहतर नस्कली स्वदेशी गायों को लेकर जानकारी और बढ़े, किसान को, पशुपालकों को इससे फायदा हो। मुझे बताया गया है कि आज यहां गीर गायों की संख्या लगभग 350 के करीब तक पहुंच चुकी है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में BHU के स्वतंत्रता सभागार में सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने काशी सांसद प्रतियोगिता पर पुरस्कार और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और वाराणसी के संस्कृत छात्रों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, संगीत वाद्यंत्र और योग्यता छात्रवृत्ति भी वितरित की। उन्होंने काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का भी दौरा किया और प्रतिभागियों के साथ सवर्ती काशी विषय पर उनकी फोटोग्राफ प्रविष्टियों के साथ प्रतिभागियों से बातचीत। PM मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि काशी की क्षमताएं और स्वरूप फिर से अपना गौरव हासिल कर रही हैं। आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने, उसकी प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, न ही पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए काफी कुछ नया सीखकर कई कदम और आगे आए हैं। इसलिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाला हर कोई बधाई के पात्र है। मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदर पूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां दो बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। इसके अलावा जितनी भी सांसद प्रतियोगिता काशी में आयोजित हुई है उन पर भी छोटी छोटी किताबों को लॉन्च किया गया है। मैं सभी काशीवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं, हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण है। जहां महादेव का कृपा हो जाला उ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंदमय है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर
चहुं और विकास का डमरू बजा है। आज एक बार फिर काशी के हमारे परिवार के लोगों के लिए करोड़ों रुपया के योजना का लोकार्पण होता है। शिवरात्रि और रंग भरी एकादशी पहले काशी में आज विकास का उत्सव मने जाता है। अभी मंच पर आने से पहले मैं काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता की गैलरी देख रहा था। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है ये आप सभी ने साक्षात देखा है। मैं सही बोल रहा हूं ना? तो आप बताएं तो पता चले भाई, सचमुच में जो कह रहा हूं सही है, बदला है?